हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है मॉपअप राउंड से रिलेटेड। तो अगर आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारी मॉपअप राउंड की जो अपडेट्स हैं, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपसे मॉपअप राउंड की मेरिट लिस्ट डिस्कस करूँगा, मैं आपसे मॉपअप राउंड की कट ऑफ डिस्कस करूँगा, कितनी वैकेंट सीट है, किस स्टेट में कितनी वैकेंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप मॉपअप राउंड में MBBS के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आपका करियर बदल सकती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पक्का देखें। उसके साथ दोस्तों, आपके लिए अनअकैडमी लेके आया मैस्ट्रो बेस्ट फॉर MST CET 2021। तो दोस्तों, अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हो, PCB के स्टूडेंट्स हो और PCMB के स्टूडेंट्स हो, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो MST CET एग्ज़ाम की, तो गाइज आपके लिए बेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 4 जनवरी को। अनअकैडमी आपके लिए स्टार्ट कर रही है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी का मैस्ट्रो बैच ज्वाइन करें। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि फिजिक्स हर एग्ज़ाम में आता है, केमिस्ट्री हर एग्ज़ाम में आता है, मैथ ऐसा हर एग्ज़ाम में आता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से बोलूँगा कि इस बैच को ज्वाइन करें। और गाइस, सबसे अच्छा क्या है कि अनअकैडमी आपके लिए मराठी में और इंग्लिश में बैचेस लेके आया है। तो जो भी बच्चे MST CET 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैस्ट्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हो PCMB का एक सेपरेट बैच है गाइस, उसके बाद PCM का भी एक सेपरेट बैच है जो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 28+ लेसन्स होंगे, उसके आपके टेस्ट भी होंगे। और दोस्तों, टॉप फैकल्टी है, उसी प्रकार से आप PCB देख सकते हो। इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों लैंग्वेज में आपको PCB का भी बैच मिलेगा। तो बच्चों, आप जिसकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि फिजिक्स हर जगह आती है, केमिस्ट्री हर जगह आती है, बायोलॉजी हर जगह आती है, तो आप सभी जाके इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जिसकी फैकल्टी है, जिसको पढ़ाएगी, वो टॉप अनअकैडमी की फैकल्टी, जैसे जगदीश सर हुए, निर्मल कुरबिसवाल हुए, ये बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज टीचर हैं जो अनअकैडमी पर आपको पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपने अनअकैडमी का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस के साथ रहेगा। 30+ टॉप एजुकेटर्स होंगे, 20+ बैचेज होंगे, 350+ कोर्सेज होंगे एंड 2000+ लेसन होंगे गाइस। और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, क्लासरूम भी ज्वाइन करना होता है स्टूडेंट को, टेस्ट सीरीज भी देनी होती है। तो इन सब चीज़ों का कंसोलिडेटेड दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसके प्राइस मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 14,850 रुपये का, अगर आप 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 12,150 का। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, इसमें नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। और दोस्तों, जो बच्चे पूरी फीस एक साथ नहीं दे पाते, उनके लिए नो कॉस्ट EMI अनवर अकेडमी लेके आया है। और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे RC2020, तो इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि जाके रेफरल कोड यूज़ करके आप नो कॉस्ट EMI, मतलब आपको 1000-1200 रुपये पर मंथ पड़ेगा और बहुत सस्ता आपको पड़ेगा। तो गाइज, ये है अनअकैडमी का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो MST CET 2021 की, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहली अपडेट दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंजाब स्टेट से। तो जो भी स्टूडेंट पंजाब स्टेट से हैं, ये तो पहली अपडेट जॉब के लिए रहेगी वो पंजाब स्टेट की होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है मॉपअप राउंड का। तो यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि पंजाब का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों, और ये किस राउंड का है, मॉपअप राउंड का। तो आप देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर मॉपअप राउंड इन पंजाब स्टेट है, और कंप्लीट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें अगर पहला रैंक देखेंगे जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया, 605 नंबर पे जिस स्टूडेंट का रैंक था, जिसकी नीट AIR रैंक थी 17,865, उस बच्चे का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे नाम बताया है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप नीचे की रैंक्स देखोगे तो 32,000, 39,000, 40,000, जो भी स्टेट की रैंक्स हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो 47,000 AIR रैंक है, 48,000 रैंक है, और ये कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट पंजाब स्टेट से हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है फ्रेंड्स। और इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो लास्ट कैंडिडेट रखा गया, वो 113 नंबर पे रखा गया, जिसकी नीट AIR रैंक रही थी 8,14,062, जिस बच्चे की रैंक थी उसको इसमें रखा गया। तो पंजाब में देख सकते हो टोटल दोस्तों 967 कैंडिडेट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है, मतलब 967 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, और उसकी कंप्लीट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। और जैसे इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की अपडेट के ऊपर, कि हम नेक्स्ट स्टेट किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं मॉपअप राउंड की अपडेट पे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगली अपडेट जो आपके सामने है, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों ये अपडेट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपडेट बिहार के लिए मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो उसमें लिखा गया है कि मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है, रिवाइज्ड शेड्यूल बिहार स्टेट में आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है।
आप देख सकते हो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों 23 तारीख को पहले था, अब 20 तारीख तिथि हटा दी गई है, और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट जो पहले 25 तारीख थी दोस्तों, अब उसको 29th कर दिया है। मतलब 29 दिसंबर तक आप बिहार स्टेट में मोपअप राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट डेट जो पेमेंट करनी है वो भी 29th को रात को 12 बजे, लेकिन ध्यान रखना 29 तारीख को 10 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और फीस पेमेंट रात को 12 बजे, तो आपको रजिस्ट्रेशन 10 बजे पहले कर लेना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बिहार स्टेट की, तो जो भी बच्चे बिहार स्टेट से उनको बता देना चाहता हूँ कि उनकी मोपअप राउंड की काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अर्लियर इट वॉज 25th ऑफ दिसंबर, नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 29th ऑफ दिसंबर। उससे अगली अपडेट दोस्तों मैं आपके पास लेके आया हूँ महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो जो भी बच्चे महाराष्ट्र स्टेट्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस अपडेट में दोस्तों उन्होंने क्या किया, शेड्यूल फॉर राउंड टू एडमिशन फॉर ऑल इंडिया कोटा AIQ 15% सीट्स इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट ऑफ BAMS BHMS और BUMS कोर्स। तो जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट में 15% कोटा में राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट एडेड जो अनएडेड इंस्टीट्यूट है जिनमें, तो उनका दोस्तों उन्होंने पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया है। तो राउंड टू का ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल है महाराष्ट्र स्टेट का, तो आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो आपका 28 से 31 दिसंबर के बीच में होने वाला है। पब्लिकेशन ऑफ द जो कंबाइंड रजिस्ट्रेशन जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया उनका 1 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद सीट मैट्रिक्स दोस्तों आपका 28 दिसंबर को आने वाला है। उसके बाद दोस्तों 28 दिसंबर के बाद आपका प्रेफरेंस और चॉइस फिलिंग आप 3 जनवरी तक कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ द सेलेक्टेड, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 5 जनवरी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या है, वो 6 तारीख से 12 तारीख तक है। तो दोस्तों ये है, उसके बाद लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने राउंड वन में रजिस्टर कर दिया, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों उनको नीड नॉट टू, उनको राउंड टू में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लिखा है कि कुछ ग्रुप्स बनाया कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड वुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो एक ग्रुप्स होंगे जैसे आपका पहले रजिस्टर कर रखा है या नहीं कर रखा, जैसे कि ग्रुप वन उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट उसको ग्रुप वन रहेगा, ग्रुप टू, तो उस हिसाब से ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया है। तो जो भी बच्चे आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और महाराष्ट्र स्टेट से 15% AIQ कोटा में प्राइवेट अनएडेड कॉलेज के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनका कंप्लीट डेट सी आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सब पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़े। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज पे अपलोड करने वाला हूं जहां से आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं गाइज। तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र स्टेट की अपडेट। उसके बाद दोस्तों मैं आपके पास लेके आऊँ सीट मैट्रिक्स फॉर राजस्थान स्टेट। तो जो भी बच्चे राजस्थान स्टेट्स में मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि लगभग 7 सीटें अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट है। तो जो बच्चे राजस्थान स्टेट में वैकेंट करना चाहते हैं और वो अपनी कैटेगरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट में मैंने पूरी कैटेगरी बता रखी है आपको कि कौन सी कैटेगरी है। तो लगभग 6 से 7 सीट हैं जो अभी भी राजस्थान में मोपअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में बची हुई है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से, जैसे दोस्तों अगर कोई URB वाला है तो उसमें 3 सीट बची हुई है, जैसे इस कैटेगरी में 1 बची हुई है, इसमें 1 बची हुई है और इसमें 1 बची हुई है। तो अगर हम देखें तो लगभग 6 से 7 सीट राजस्थान में अभी भी स्टेट कोटा में बची हुई है। तो जो भी बच्चे राजस्थान स्टेट से मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जाके अपनी कैटेगरी वाइज जाके मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका शेड्यूल मैंने लास्ट जो कल रात को वीडियो डाली थी उसमें बता दिया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आती तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नीट से हर छोटी छोटी अपडेट आपको यहां पे लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।